मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम लोग यूनिट थर्ड कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें मैकेनिक्स ऑफ द कटिंग क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे व्हाट इज द द मैकेनिक्स ऑफ कटिंग पिछले क्लास में हम लोग मर्चेंट सर्किल के बारे में स्टडी किया था मर्चेंट सर्किल के एडवांटेज वगैरह के यूज के बारे में स्टडी किया हुआ था मैकेनिक्स ऑफ द कटिंग क्या है पहले हम लोग ज्योमेट्री ऑफ द चिप फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे ये देखिए ज्योमेट्री ऑफ द चिप फॉर्मेशन का आपको फिगर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कैसे जो है चिप फॉर्मेशन होता है मेटल कटिंग में ये आपका टूल है टूल को स्पीड कटिंग स्पीड भीसी से हम लोग प्रेशर देते हैं ये आपका वर्कपीस है और ये जो है आपको सीयर प्लेन है आपको ये आपको भी एस आपको दिखाया गया और ये आपको टीयू है अनकट चिप थिकनेस है चिप थिकनेस और ये आपको टीसी है आपको चिप का आपको थिकनेस है है ना चिप का आपको थिकनेस है और ये एफ है चिप का वेलोसिटी है और ये एंगल अल्फा है आपको रेक एंगल है अब जो है आपको सीयर एंगल है है ना तो ये आपको ज्योमेट्री ऑफ आप द चिप फॉर्मेशन आपको कैसे चिप फॉर्मेशन होता है उसका फिगर आपको यहां पर आपको दिखाया गया है टीसी आपको चिप थिकनेस है टी आपको अनकट चिप थिकनेस है यहां पर आपको दिखाया जा रहा है और भी एफ चिप स्लाइडिंग वेलोसिटी है आपको यहां पर आपको वीएफ आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है वेलोसिटी है आपको भीएस आपको सीयर वेलोसिटी है ये आपको यहां पे आपको दिखाया जा रहा है बीसी आपको कटिंग वेलोसिटी है ये आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है फाइव आपको सीयर एंगल है ये आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है फाइव जो है आपका सीयर एंगल है है ना तो आपको ट्र एबीसी और ए बी डी दो ट्रायंगल बनता है ए बी सी और ए बी डी और उससे जो आपको रिलेशन मिलता है ए बी डिवाइड बाय टी यू डिवाइड बाय साइन फाइव है ना ए बी का जो वैल्यू है आपको टी यू बाई साइन फाइव आपको मिल जाता है साइन फाइव का जो वैल्यू है आपको साइन 90 डिग्री 5 अल्फा ये आपको वैल्यू आपको साइन phi का आपको जो वैल्यू है ये आपको यहां पर आपको मिलता है हेंस द ए बी का जो वैल्यू है आपको टीसी cos 5 अल्फा हो जाएगा है ना इसीलिए टीयू बाय टीसी अनकट चिप थिकनेस डिवाइड बाय द चिप थिकनेस साइन phi बाय द cos 5 अल्फा ये आपको रिलेशन हो जाएगा और ये कैसे चिप फॉर्मेशन होता है आपको मेटल कटिंग में चिप थिकनेस का वैल्यू कितना होगा अनकट चिप थिकनेस का रिलेशन क्या होगा उसके बारे में आपको यहां पर आपको दिखाया गया है स्पष्ट किया गया है ज्योमेट्री ऑफ द चिप फॉर्मेशन आपको कैसे होता है उसके बारे में आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है ना ज्योमेट्री ऑफ द चिप फॉर्मेशन है ना फिर से मैं उसको रिपीट कर देता हूं ये आपको टूल है ये आपको वर्कपीस है ये आपको चिप ये निकल रहा है ये आपको टी यू जो है अनकट चिप थिकनेस है और टी सी जो है चिप थिकनेस है ना ये फाइव आपको सीयर एंगल है और भी एस आपको सीयर वेलोसिटी है, है आपको चिप स्लाइडिंग वेलोसिटी है, है ना और भीसी आपको कटिंग कटिंग वेलोसिटी है तो ये सारा आपको चिप फॉर्मेशन में आपको दिखाया जा रहा है और ये दो ट्रैंगल है एबीसी और एबीडी बी ए बी का वैल्यू टी यू बाय साइन फाइव होगा और ए बी का वैल्यू टी टी सी साइन 90 डिग्री माइनस फाइव माइनस अल्फा इसीलिए टी सी हो गया आपको कॉस फाइव माइनस अल्फा हेंस द टी यू बाय टी सी साइन फाइव डिवाइड बाय कॉस फाइव अल्फा है ना ये दो रिलेशन आपको यहां पर आपको मिल जाता है ये रिलेशन आपको 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 मिल जाता है हैंस द आरसी हो जाएगा टीयू यू टीसी चिप थिकनेस रेशियो कॉफिशियंट हो जाएगा इसीलिए आरसी का वैल्यू वन बाय आरसी का वैल्यू कॉस फाइव प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन फाइव इंटू साइन अल्फा डिवाइड बाय साइन फाइव वन आरसी कॉट फाइव कॉस अल्फा आरसी साइन अल्फा हैंस द टेन फाइव विल बी गिवन बाय आर

यह रिलेशन आपको यहां पर आपको दिखाया गया है यह देखिए आपको दिखाया गया है वैल्यू वॉल्यूम ऑफ द अनकट चिप और वॉल्यूम ऑफ द कट चिप ये आपको यहाँ पर दिखाया गया जहां पर एल सी टू दीप लेंथ है एल सी इंटू टीसी है एल यू इंटू टीयू है इसलिए आर इक्वल टू जो है आपको एल सी बाई एल यू ये आपको टी यू बाई टी सी ये आपको आर आर का वैल्यू आपको यहाँ पर आपको मिल जाता है है ना है ना रिलेशन कहां से आया ये रिलेशन यहां से आया वॉल्यूम ऑफ द चिप इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कट चिप वॉल्यूम कंसिटेंसी कंडीशन है अनकट चिप का जो वॉल्यूम होगा जो कट चिप का जो वॉल्यूम होगा दोनों आपको बराबर होगा उसी से ये रिलेशन आपको यहां पर आपको आया है आर इक्वल टू द एल सी बाय एल यू ये आपको दे रहा है, है ना ये ये रिलेशन आपको यहां से आपको आया है। ये आपको जो है दूसरा फोर सर्किल डायग्राम ये हम लोगों ने मर्चेंट सर्किल में आपको पढ़ा हुआ था फोर सर्कल डायग्राम है ना मर्चेंट सर्किल में हम लोगों ने फोर सर्कल डायग्राम पढ़ा हुआ था तो उसको फिर से हम लोग रिपीट कर देते हैं और जो जो फोर्स कंपोनेंट है उसको फिर से हम लोग जो है उसको करते हैं ये आपको टूल है ये आपको चिप है ये आपको रेड कलर का वर्कपीस है और चिप जो है आपको आपको येलो कलर का दिखाया जा रहा है ब्लू कलर का आपको टी टूल दिखाया जा रहा है और ये जो जितने फोर्सेस हैं ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है एफ एन और ये आर ये आपको दिखाया जा रहा है ये आपको टेंजेंशियल फोर्स है ये आपको आपको नॉर्मल फोर्स है ये आपको दिखाया जा रहा है और ये आपको एफ सी आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है है ना जितने फोर्सेस हैं ये आपको फोर्स एनालिसिस आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ऑर्थोगोनल कटिंग में जो जो फोर्सेस होते हैं यहां पर आपको लिस्ट किया गया है फ्रिक्शन फोर्स एफ फोर्स नॉर्मल टू द फ्रिक्शन फोर्स एल कटिंग फोर्स एफसी थ्रस्ट फोर्स एफटी सियर फोर्स एफएस फोर्स नॉर्मल टू द सियर फोर्स एफएन एंड द रिजल्टेंट फोर्स आर ये सारे फोर्सेस फोर्स सर्कल डायग्राम में आपको कल भी मैंने आपको बताया था मर्चेंट सर्कल का आपको ये फोर्स सर्कल डायग्राम आपको यहां पर आपको दिखाया गया है, है ना? जो फोर्सेस लग रहे हैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है उसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है एनसी ये आर हो गया ये एफ हो गया है ना ये एफ हो गया ये एन हो गया ये आपको तो रियल्टेंट आर इक्वल टू एफ इन

एफटी यहां पर आपको दिखे यहां पर दिखाया जा रहा है ये अल्फा है है ना? ये कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यूक्वल टू टेन टेन बीच एफ वाई एन दि दैट इक्वल टू दी कॉस अल्फा प्लस एफ सी साइन अल्फा एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा है ना तो ये आपको फ्रिक्शन एंगल आपको म्यू आपको यहां पर आपको दिखाया गया है इसीलिए बीटा हो गया टेन इनवर्स म्यू बीटा जो हो जाएगा टेन इनवर्स म्यू हो जाएगा ये जितने भी फोर्स कंपोनेंट हैं उसके बारे में एनालिसिस है एफ एस का जो वैल्यू है एफ एस का जो आपको वैल्यू है एफ सी कॉस फाइव माइनस एफ टी साइन फाइव एफ एन का जो वैल्यू है एफ टी कॉस फाइव प्लस एफ सी साइन फाइव

ियल और ए टी एस का वैल्यू आपको यहां पर ए का वैल्यू आपको यहां पर पुटअप किया गया ए का वैल्यू पुटअप करके आपको एफ सी का वैल्यू आपको यहां पर निकाला गया है, है ना ये ये जो वैल्यू है आर का वैल्यू आपको निकाला गया है

FS का वैल्यू हम लोगों ने ऊपर निकाला था और एस का वैल्यू यहां पर किया गया। यह आपको states, आपको पे आपको लग रहा है एफ टी कॉसफाई प्लस एफ सी साइनफाई ये आपको ब्रिटीजू साइनफाई ये आपको, आपको लगाया जा रहा है आपको मीन नॉर्मल स्टेस आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है मीन सियर स्टेस आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, है ना मीन दूसरा वेलोसिटी रिलेशनशिप जो मेटल कटिंग में होता है वो आपको यहां वेलोसिटी रिलेशनशिप के बारे में यहां पर आपको बताया जा रहा है वेलोसिटी डिफरेंट टाइप का वेलोसिटी यहां पर आपको दिखाया गया है ये आपको वीसी है ये आपको वीएस है और ये आपको वीएफ है तीन तरह का वेलोसिटी आपको कटिंग में आपको लग, लगता है वीसी इज द कटिंग वेलोसिटी ऑफ द टूल रिलेटिव टू द वर्क पीस

ये आपको ट्रेंगल बन गया ये जब ट्रेंगल बन गया तो आपको साइन रूल आपको यहां पे आपको बताया जा रहा है डिग्री डिग्री है ना तो ये आपको भी कॉस फाइव माइनस अल्फाई का वैल्यू हो जाएगा v

ये तीनों की वे, वेलोसिटी के बीच में आपको रिलेशन क्या है तीन तरह का वेलोसिटी आपको होता है कटिंग वेलोसिटी ऑफ द टूल रिलेटेड टू द वर्कपीस यहां पर आपको दिखाया जा, जा, जा रहा है कि चिप किस तरह आपको फ्लो करता है टूल के ऊपर में कि, आ, कितना वेलोसिटी है वो आपको भी दिखाया जा रहा है BF, आपको सीर प्लान किस तरह से आपको राइज़ करता है ये आपको सीर वेलोसिटी आपको दिखाया जा रहा है और ये ये तीनों का आपको जो है आपको यहां पर आपको ट्रायंगल बनाया गया है BC BS एंड BF ये फाई है ये अल्फा है तो यूजिंग द साइन रूल साइन रूल को यूज करके बी बाय साइन 90 डिग्री फाई माइनस अल्फा BF बाय sin फाई B बाय sin 90 डिग्री माइनस अल्फा ये आपको दिखाया गया है ना तो ये वैल्यू भी कॉस्ट फाइव माइनस अल्फा भी हो जाएगा और ये आपको वेलोसिटी का रिलेशनशिप आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना वेलोसिटी का रिलेशनशिप आपको यहां पर आपको आपको दिखाया गया है ना तो पहले मैं आप लोग का अटेंडेंस ले लूं और उसको बाद में आपको कैरी करता आशुतोष सिंह जी ट्वेल्व इज प्रेजेंट अमन कुशवाहा जी फाइव इज प्रेजेंट अमन सिंह जी सिक्स इज प्रजेंट चंचल कौशिक जी थर्टीन इज प्रजेंट जतिन आर्या जी सिक्सटीन इज प्रजेंट मोहित अदाना जी ट्वेंटी वन इंच प्रजेंट तुषार सैनी जी थर्टी थ्री इंच प्रजेंट तुषार कनोजिया जी इज ऑल्सो प्रेजेंट तो आज जो जो प्रेजेंट है उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं तुषार सैनी जी थर्टी थ्री इंच प्रेजेंट तुषार कनोजिया जी थर्टी टू इंच प्रेजेंट मोहित अधाना जी ट्वेंटी वन इंच प्रेजेंट जतिन आर्या जी सिक्सटीन इच प्रजेंट चंचल कौशिक जी थर्टीन इच प्रजेंट अमन सिंह जी सिक्स इच प्रजेंट अमन कुशवाहा जी फाइव इच प्रजेंट आशुतोष सिंह जी ट्वेल्व इच प्रजेंट ये सारे आज पार्टिसिपेंट्स हैं और हम लोग वेलोसिटी रिलेशनशिप के बारे में अब स्टडी कर रहे थे ये आपको वेलोसिटी रिलेशनशिप है, है तीन तरह का वेलोसिटी लग रहा है बी सी बी और बी -स. और इन तीनों को हम लोग ट्राइंगल में दिखा सकते हैं वी को नीचे और वी को इस डायरेक्शन में और वी को इस डायरेक्शन में ये आपको फाइव है जहां पर आपको वीएस लग रहा है है ना और ये 90 डिग्री में है जहां पे आपको वीएफ लग रहा है तो ये साइन रूल करके ये आपको ये रिलेशनशिप आपको यहां पर आपको मिल गया ये बहुत ही सिंपल है आपको वेलोसिटी रिलेशनशिप ये आपको यहां पर आपको मिल गया है ना ये आपको वेलोसिटी रिलेशनशिप है और दूसरा सीयर स्टैंड और सीए स्टैंड रेट क्या होगा यह यहां पर आपको आपको दिया गया है जो अप्रोचेज जो यूज किए गए हैं थिन प्लेन मॉडल है उसमें मर्चेंट का है पिस्पेन पैन का है कोब्यासी का है और थॉम्पसन का है ऑल द मॉडल्स आर डेवलप्ड इन द ऑक्सफोर्ड मर्चेंट का भी वही डेवलप हुआ है पिस्पेन का भी वही डेवलप हुआ है कोम्बेसी का या वहीं देव थॉम्सन का वही डेवलप हुआ है थिक डिफॉर्मेशन रीजन जो है पालमर का ऑक्सले का और कुसीना का और हिटोनी का ये ये मॉडल है थीन जॉन मॉडल मर्चेंट का है जो हम लोगों ने स्टडी किया है तो सीयर स्टैंड रेस सियर स्टैंड और स्टैंड रेट जो है उसका जो है हम लोग जो है स्टडी करेंगे सीयर स्टैंड और सीयर स्टेंट कितना होगा

है ना तो स्ट्रेन रेट आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है देखिए एक्सप्रेशन ऑफ द ये आपको सियर स्टैंड यहां पे लग रहा है ये टूल है ये आपको वर्कपीस है ये आपको स्ट्रेन लग रहा है यहां पे। है ना? ये आपको सियर स्टैंड आपको लग रहा है सियर स्टैंड का जो वैल्यू होता है डिफॉर्मेशन बाय द लेंथ है ना डिफॉर्मेशन बाय द लैंड ये आपको सी एर टेन का वैल्यू आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है आपको दिखाया जा रहा है तो लेकिन तो एस बाई डेल्टा वाई डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई को हम लोग ए बी बाय सी डी कर सकते हैं और ये आपको ए डी प्लस डीबी ये आपको हो सकता है और ये आपको टेन फाइव माइनस अल्फा प्लस कॉट फाइव ये इसके बराबर होगा और ये ये जो वैल्यू है आपको इसके बराबर होगा और इसलिए आपको सीआर स्ट्रेन का वैल्यू जो है आपको इसके यहां पर इसके बराबर हो जाएगा ये आपको सीआर स्ट्रेन का वैल्यू है है ना सीआर स्ट्रेन जो आपको मेटल कटिंग में जो आपको लगता है उसका ये वैल्यू आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द सीआर स्टैंड

जो रिलेशन है आपको यहां पर आपको दिखाया गया ये बी एस वाई ये आपको ये आपको रिलेशन हो गया सीयर स्टैंडा वाई दिन थी ऑफ द पी एस डीजे है ना ये आपको मीन uh, थिकनेस आपको यहां पर आपको दिखाया गया सियर एंगल रिलेशनशिप है ना सियर एंगल रिलेशनशिप ये आपको

कटिंग नहीं है ऑर्थोगन ये आपको इनर्जी ऑफ द चिप सेपरेशन कंटिन्यूसिप विदाउट दुज इज इज गेट फॉर ये आपको आपको थोड़ी मिनिमम इनर्जी कटेरियन आपको ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना तो सीयर एंगल रिलेशनशिप कहा कैसे निकालेंगे एज्यूमिंग द नो स्टेन हार्डनिंग कंडीशन फॉर द मिनिमम एनर्जी डी एफ सी बाई द डी फाइव दैट इक्वल टू जीरो डी एफ सी बाई डी फाइव का वैल्यू जो है आपको एफ सी को फाइव से आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन आ जाएगा और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा और उसके बाद फाइव का वैल्यू आपको ये निकल जाएगा फाइव बाई फोर वन माइनस टू विटामिन्फा ये आपको आपको रिलेशन आ जाता है तो आपको जो मैकेनिक्स ऑफ द मेटल कटिंग है वो आपको उसमें बताया गया तो उसमें चिप फॉर्मेशन कैसे होता है वो आपको समझाया गया दूसरा फोर्स कंपोनेंट फोर्स एनालिसिस कैसे निकालते हैं उसके बारे में आपको बताया गया फोर्स एनालिसिस फोर्स कंपोनेंट कैसे निकालते हैं उसके बारे में आपको बताया गया रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं उसके बारे में आपको बताया गया सीयर स्ट्रेन कैसे निकालते हैं उसके बारे में आपको बताया गया फिर से मैं आपको जो है वो आपको रिपीट कर देता हूं मैकेनिक्स ऑफ द कटिंग व्हाट इज द मैकेनिक्स ऑफ द कटिंग है ना तो मैकेनिक्स ऑफ कटिंग में आप जो स्टडी करेंगे हा द चिप फॉर्मेशन इज देअर चिप फॉर्मेशन का आपको रिलेशन क्या है वो आप स्टडी करेंगे दूसरा फोर्स एनालिसिस करेंगे फोर्स कंपोनेंट का एनालिसिस करेंगे डिफरेंट फोर्सेस जो लग रहे हैं मर्चेंट सर्किल में आपको दिखाया गया था कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं फोर्स एनालिस करेंगे और तीसरा वैलोसिटी रिलेशनशिप निकालेंगे तीन तरह का वेलोसिटी लगता है बी सी बी एफ एंड द भी एस ये तीन तरह का आपको वेलोसिटी निकलता है तो आपको उसके उसके बारे में आप स्टडी करेंगे है ना सीयर स्टेन ये आपको ज्योमेट्री ऑफ द चिप फॉर्मेशन है ये आपको वर्कपीस है ये आपको टूल है ये आपको चिप है है ना जब टूल का कटिंग वेलोसिटी आपको यहां पर यहां पर लगता है तो आपको चिप जो है आगे बढ़ता है है ना चिप आगे बढ़ता है ये देखिए आपको चिप थिकनेस आपको टीसी आपको दिखाया गया है ये आपको टीसी है और ये आपको अनकट चिप थिकनेस आपको टीयू है और बीएफ चिप स्लाइडिंग वेलोसिटी है और बीएस आपको सियर वेलोसिटी है बीएस आपको सियर वेलोसिटी है और बीसी कटिंग वेलोसिटी है बीसी आपको कटिंग वेलोसिटी है एंड फाइव जो है आपको सियर एंगल है ये एक आपको आपको सीएर एंगल है तो ये आपको जो आपको दो ट्रैगल बनता है A, B, और A, B, A, B, D, A, B, और द ये आपको दो बनता है तो एबी का वैल्यू टी यू बाई साइन फाइव होगा ये जो ए बी का वैल्यू है टी यू ये हो गया और ये को साइन फाइव हो गया ए बी का वैल्यू जो है आपको टी यू साइन फाइव हो गया है ना दूसरा ए बी डी से ए बी का वैल्यू टीसी साइन नाइनटी डिग्री फाइव माइनस अल्फा हो गया है ना साइन डिग्री फाइव माइनस हो गया तो ये जो आपको वैल्यू होगा टीसी कॉस फाइव माइनस अल्फा होगा हेंस द टी यू बाई टी टीसी दट इज इक्वल टू द साइन फाइव कॉस फाइव माइनस अल्फाइन साइन फाइव कॉस फाइव माइनस अल्फा ये आपको आपको जो रिलेशन निकलेगा चिप फॉर्मेशन में ये आपको रिलेशन है ज्योमेट्री ऑफ़ चिप फॉर्मेशन आपको यहां पर आपको समझाया जा रहा है कि चिप फॉर्मेशन जो, है. है जो होता है उसमें आपको ये रिलेशन है तो आरसी का जो वैल्यू होगा टीयू बाई टी सी चिप थिकनेस रेशियो बाई डिड बाई दरसी का वैल्यू होगा

इक्वल दैट द आपको चिप लेंथ है फिगर आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है आपको, figure, आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है।, है, है तो वो आप निकाल सकते हैं दूसरा फोर सर्कल डायग्राम जो आपको मर्चेंट सर्कल का है वो आपको कल मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था उसके यहां पर आपको सारे कंपोनेंट आपको दिखाए जा रहे हैं ये आपको टूल है ब्लू कलर का ये आपको टूल है ये, ये येलो कलर का आपको चिप है ये रेड कलर का आपका वर्कपीस है सर्कल है आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ये सर्कल आपको यहां पर दिखाया जा रहा है ये फोर्स एफ और फोर्स एन और ये रिजल्टेंट आर आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ना ये आपको एफ और ये आपको एफ ये आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है तो ये सारे फोर्सेस जितने भी लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस आपको यहां पर आपको आपको दिखाया जा रहा है है ना सारे फोर्सेस आपको यहां पर दिखाया जा रहा है दूसरा जो जो फोर्सेस लग रहे हैं ये आपको फ्रिक्शन फोर्स एफ है फोर्स नॉर्मल टू द फ्रिक्शन फोर्स एन है कटिंग फोर्स एफ है थ्रस्ट फोर्स एफ है सीयर फोर्स एफ है फोर्स नॉर्मल टू द दीअर फोर्स एफ एन है एंड रियलटेंट फोर्स आर है ये सारे फोर्सेस आपको यहाँ पर आपको आपको फोर्स सर्कल डायग्राम में आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है आपको आपको ग्रीन कलर का टूल दिखाया गया है येलो कलर का चीप दिखाया गया है और रेड कलर का वर्कपीस दिखाया गया है और ये आपको सर्कल बनाया गया है मर्चेंट सर्कल डायग्राम है और उसमें सारे फोर्सेस ये आपको सात फोर्सेस लगते हैं है ना फ्रिक्शन फोर्स आपको दिखाया गया है फ्रिक्शन फोर्स हो गया ये और फोर्स नॉर्मल टू द फोर्स एन हो गया कटिंग फोर्स एफसी हो गया थ्रस्ट फोर्स एफटी हो गया सियर फोर्स एफएस हो गया फोर्स नॉर्मल टू द सियर फोर्स एफएन हो गया एंड रिएल्टेंट फोर्स आर हो गया है ना ये आपको रिएल्टेंट फोर्स आर हो गया